तो दोस्तों यहाँ पे MIUI 8 में हमारे पास में डेवलपर पे एक नया अपडेट आया 7.2.7, एक सप्ताह के बाद में आया, ये करीब 7.1.9 के बाद में 7.2.7 आया है। ये 19 तारीख को लास्ट आया था और इसके बाद में 7 तारीख को आया है। जी हाँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी है, 1.2 GB का अपडेट है, लेकिन मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। और जी हाँ, मैंने इसमें कस्टम रिकवरी डाल रखा है TWRP, और मेरे पास में रूट एक्सेस भी है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं इस आपको इस फ्लैशिंग में भी आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो है सो एक्सपोज मॉड्यूल्स भी ये सपोर्ट करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो 7 के बाद में भी सपोर्ट करता है एक्सपोज, तो मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। बशर्ते यहाँ पे जब आप अगर डाउनलोड कर लेते हो और आपके पास में कस्टम रिकवरी है, लेकिन यहाँ से आप डायरेक्टली कस्टम रिकवरी के लिए 3 मेनू आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, तो इसके लिए या तो आप इसे पावर ऑफ करके, यहाँ पे अगर आप पावर ऑफ कर लेते हो, पावर ऑफ करने के बाद में वॉल्यूम की एंड पावर की दबा के आप कस्टम में जा सकते हो, और नहीं तो आपके पास में दूसरा ऑप्शन है कि आप इस जो डेटा है आपके पास में उसे मूव कर लो, क्योंकि ये या तो यहाँ पे रहे या फिर कहीं और रहे, बात बराबर होगा। तो मैं इसे यहाँ से मूव कर ले रहा हूँ डाउनलोड रोम, ये मेरे पास में जिप फाइल है, तो यहाँ से मैं इसे कट कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं इसमें पेस्ट कर ले रहा हूँ। तो ये रहा मेरे पास डाउनलोड रोम का फोल्डर, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर ले रहा हूँ। देख सकते हैं ये जो है सो ग्रांट परमिशन हो गया, ये रूट के मेथड से ही हो रहा है, क्योंकि जो इसके अंदर जो एक डिसेबल हो जाती है हर बार डॉक्यूमेंट्स, उसे इनेबल मैंने नहीं किया, तो डायरेक्टली मैं इसे मूव कर ले रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसके बाद में वहाँ डायरेक्टली वो कस्टम रिकवरी मोड में जा सकता हूँ। तो मैं आपको वो भी दिखा दूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो सो रोम जो सो मूव हो चुका है, यहाँ पे देखिए आप 7.2.7 जो सारा बिग ओटा जो है सो यहाँ पे आ गया। तो फिलहाल मैं हम आ जाते हैं यहाँ अपडेटर में, और अपडेटर में देखते हैं यहाँ पे ये जो सो फिर से आ गया मेरे पास में डाउनलोड करने के लिए। जी हाँ, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 मेनू, तो 3 मेनू आ गया, इसके बाद हम यहाँ से डायरेक्टली रिबूट टू रिकवरी मोड जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा रिकवरी मोड खुल चुका है अपने फ़ोन में, मैं रिकवरी में रिबूट कर लिया हूँ, और यहाँ से हमें जस्ट इसे इंस्टॉल कर देना है कुछ भी वाइप किए बिना। जी हाँ, तो मैंने उसे SD कार्ड में रखा था SD कार्ड के डाउनलोड रोम फोल्डर में। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे डाउनलोड रोम में एंड देन बिग ओटा जो है 7.2.7 का ये रहा, तो मैं इसे फ्लैश कर ले रहा हूँ। तो दोस्तों ये ZCX रिकवरी जो है सो सपोर्ट करता है अपडेटर को भी, तो आपके पास में अगर स्मॉल अपडेट है तो वो भी सपोर्ट करेगा। जी हाँ, इसके सेटिंग में जाके आपको वो जो अपडेटर पे टिक कर देना है कि ये सपोर्ट MIUI अपडेट, तो इसलिए मैं इसे यूज करता हूँ, और अब हम चलते हैं इसे अपडेट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.2.7 फ्लैश हो रहा है, ये भी एंड्रॉयड 6 पे ही है, मैसमेलो पे अभी हमें नगेट्स का अपडेट तो मिला नहीं है फिलहाल। तो दोस्तों यहाँ पे जो सो मेरा फ़ोन अपडेट हो चुका है। जी हाँ, और अपडेटर के बाद मैं इसमें सुपर SU डाल लेते हैं। दोस्तों आपको ये गलती नहीं करना है कि सुपर SU फ्लैश करने के बाद जस्ट आपको एक्सपोज मॉड्यूल फ्लैश कर लेना है। जी हाँ, अगर आपने एक्सपोज मॉड्यूल अभी फ्लैश कर दिया तो आपका जो है सो वो स्टक कर जाएगा बूटिंग अप में ही। जी हाँ, वो बूट नहीं हो पाएगा और आपको फिर से रोम फ्लैश करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहले सुपर SU फ्लैश कर ले रहा हूँ। जी हाँ,
और सुपर एसपी फ्लैश करने के बाद में एक बार रोम को बूट अप होने दे। जब बूट अप हो जाए उसके बाद आप एक बार फिर से रिकवरी मोड में आके आप उसमें एक्सपोज मॉड्यूल फ्लैश कर दो, वो वर्क करेगा बहुत ही अच्छे से स्मूथली। तो यहाँ पे मैं बस सुपर एसपी फ्लैश कर ले रहा हूँ और उसके बाद में जस्ट रिबूट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो सो अपडेट सुपर एसपी भी फ्लैश हो चुका है और अपडेटर भी फ्लैश हो चुका है, तो देन हम रिबूट टू सिस्टम कर लेते हैं हम। और दोस्तों ये सुपर एसपी की वजह से ये जो सो दो बार रिबूट हो चुका है, एक दो बार रिबूट होगा, एमआई का लोगो आएगा, फिर से जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है ज़्यादा, टेंशन फ्री होके। दोस्तों यहाँ पे जो फ्लैश हो के मैंने रिबूट कर लिया फ़ोन को और रिबूट हो चुका है, तो जस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ लेटेस्ट अपडेट जो है सो 8.7.2.7। जी हाँ, और मैं आपको दिखा दूँ इसके नया में क्या है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, जी हाँ, और बाकी सारे कुछ तो अभी आया नहीं है। तो दोस्तों इसके लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसके साथ में कि एक्सपोज मॉड्यूल्स इसमें कैसे वर्क करता है, कैसे आपको फ्लैश करना है, तो वो वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा, जी हाँ, तो आप वो देख सकते हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास में कोई सुझाव है तो नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखे दोस्तों। और जी हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे के फर्दर वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।